यश सर को हमारा एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज। यश सर वी लव यू। प्रशांत नील को मैं पूरा सलाम करूंगा कि उन्होंने केजीएफ बनाया, उन्होंने यश को रॉकी भाई बनाया, अपने ट्रिपल आर को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, मूवी को एकदम आगे जा रही है, दंगल को भी अभी तोड़ने वाले, टाइगर जिंदा रहे तो बोलूंगा सलाम रॉकी भाई के आगे में कुछ वर्ड ही नहीं बोलने को। एंड मेरी प्रेडिक्शन सच हुई एंड आई एम सो हैप्पी। कांग्रेचुलेशंस यश सर कि आपकी मूवी सच में 1000 क्रोर्स पार कर गई। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू फिल्मी टाउन। दोस्तों हमारे साथ है हमारे पॉपुलर एक्सपर्ट यानी कि ब्रदर एंड सिस्टर, बहुत-बहुत स्वागत है फिल्मी टाउन चैनल पे। थैंक यू। तो जिस तरीके से केजीएफ चैप्टर 2 जिसका आपने रिव्यू दिया था और इतना पॉपुलर हो गया और केजीएफ चैप्टर 2 बहुत सारे लोगों ने पसंद की है, जिस तरीके से इस मूवी ने 15 दिनों में 1000 की कमाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे की है, तो क्या आपकी रिएक्शन है इसको? जैसे कि मैंने 2 दिन पहले ही आपको ये रिव्यू दिया था कि हमारे बेस्ट विशेज है यश सर को कि आपकी मूवी 1000 क्रोर्स कमाए एंड मेरी प्रेडिक्शन सच हुई एंड आई एम सो हैप्पी। कॉन्ग्रेचुलेशंस यश सर कि आपकी मूवी सच में 1000 क्रोर्स पार कर गई है। रियली हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड आपकी हर मूवी ऐसे ही 1000 क्रोर्स कमाए, ये मेरे विशेज है। सलाम रॉकी भाई। मैं अपने दूसरे एक्सपर्ट से जाना चाहूंगा कि उनकी राय क्या है। केजीएफ में तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना चुका है, अभी और एक बना दिया हूँ कि ये 1000 करोड़ पार हो गए केजीएफ। मैं तो बोलूँगा सलाम रॉकी भाई के आगे में कुछ वर्ड ही नहीं बोलने को कि जो दिया है उनको प्यार ऑडियंस ने हिंदी लेवल ने से और लैंग्वेज से इतना प्यार दिया है। अपने ट्रिपल आर को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, मूवी को एकदम आगे जा रही है, दंगल को भी अभी तोड़ने वाले, टाइगर जिंदा रहता तो गई, मतलब टाइगर जिंदा है जैसी मूवी, सलमान के जितने मूवीज सब मतलब डाउन कर ही दिया केजीएफ ने। अभी तो सलमान को नए से चालू करना पड़ेगा क्योंकि केजीएफ आगे पहुंच गई है। अभी दंगल का रिकॉर्ड बाकी है, बाहुबली का बाकी है, 2 का देखते हैं। अभी तो आ रही है रमज़ान, तो आज वो भी हो सकता है। अभी आज के भी ऑडियंस, मतलब अभी भी मैं गया था रनवे 34 देखने के लिए, तो केजीएफ में क्राउड है अभी भी, पब्लिक सीटियाँ मार रहे हैं, हम लोग बाहर सुन, मैं पॉपकॉर्न लेने गया तो अभी सीटियाँ मार रही है, तो सोचो ना कितना क्राउड अभी भी है। तो अभी तो ईद के टाइम पे तो यार पूरा मेला लग जाएगा फुल। तो क्या आपको लगता है इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? उनकी परफॉर्मेंस, उनका डेडिकेशन, उनका हार्डवर्क। मैं बोलूँ जो यश को रॉकी भाई को पेश किया है, मतलब उनको तो सलाम है रॉकी भाई को, और जो पेश किया है प्रशांत नील को मैं पूरा सलाम करूँगा कि उन्होंने केजीएफ बनाया, उन्होंने यश को रॉकी भाई बनाया, उनका पूरा डेडिकेशन दिखता है मुझे ज़्यादा। है नहीं दोनों पिक्चर में, ज़रा भी लोग आए नहीं कैमियो में, कुछ नहीं, पूरा फोकस रॉकी भाई रॉकी भाई रॉकी भाई रॉकी भाई, पर उनको ज़्यादा डेडिकेट। यश तो है, उनको तो मैं सलाम करता हूँ, उससे ऊपर मैं प्रशांत नील को भाई डाई हार्ट फैन ऑफ योर्स डायरेक्शन ऑल्सो, जो आपने डायरेक्शन किया है केजीएफ के बारे में। एंड अब ईद आ रही है तो आई बता नहीं मैं ऐसी प्रेडिक्शन मुझे क्यों हो रही है कि शायद इनकी मूवी 1500 क्रॉस भी पार कर जाए। पार कर लेगी, मैं वही तो बोला बाहुबली 2 और दंगल बाकी क्रॉस करने का, वो भी हो जाएगी अगर ईद तक चली, ईद और एक हफ्ते तक चलती रही तो हो जाएगी। बाय द वे जाते जाते ये आपको बोलना चाहूँगा, आपके वेल विशर से कर्नाटका से आपके कुछ वेल विशर थे जिन्होंने आपके लिए बहुत बहुत प्यार भेजा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ उनके कमेंट्स मैंने बहुत पढ़े हैं, उन्होंने तो मुझे रॉकी भाई के जितने भी मूवीज़ हैं मतलब यश भाई के पुराने सब लिस्ट लिख के मुझे भाई इन मूवीज़ देखो और इनका रिव्यू दो, तो मैं उनको सिर्फ इतना वेल विशर अच्छा दूंगा कि मुझे बड़ा टाइम दो, मैं देखूंगा मूवी और देख के मैं पक्का यही चैनल में आपको रिव्यू दूंगा। आपको जो है मतलब ऐसा नहीं कि मैं अभी जो प्यार मुझे मिल रहा है मैं वो प्यार को ठुक रहा हूँ, प्यार के भूखे हर कोई रहते हैं, डॉगी रोग भी रहते हैं, हम तो भाई इंसान है। तो मैं देखूंगा और उसका भी रिव्यू दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग लव, और आपका केजीएफ तो भाई सक्सेस हो ही गया है, तो आप कर्नाटका में पार्टी मनाओ, तूफान करो। वेल विशर्स को मैं थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने इतना मेरे लिए, मतलब जितने कमेंट्स पढ़ चुकी हूँ, दे आर गिविंग सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट। थैंक्स टू फिल्मी टाउन जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दिया अपने चैनल में आने के लिए। फिल्मी टाउन मेंबर नेम इज पवन, और वो भी पुणे पुराने एक वीडियो में बोला हूँ, मतलब एक वीडियो बनाया हो वो अभी तक आएगा भाई का, उनका लुक आएगा। थैंक्स टू मिस्टर पवन कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दिया है और हमारे थ्रू हम आप तक पहुँचे हैं कर्नाटका के लोगों को। सीरियसली गाइज थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड हम चाहते हैं कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ ही इज़ अ वेरी नाइस एंड अ जेंटल पर्सन, इनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ही नीड्स आर सपोर्ट। एंड यश सर को हमारा एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज, यश सर वी लव यू, आपके लिए हम वेट कर रहे हैं कि आप कब दोबारा लौटोगे। वही यश सर को मुझे बोलना है, यश सर अगर हमारा रिव्यू आपने कभी पढ़ा भी रहेगा तो बस इतना कहूँगा कि मुझे एक बार तो आपको मिलना ही है। Seriously? और ऐसे नहीं कि नॉर्मल आओ, आप नॉर्मल हेयर कट है, केजीएफ का जो है रॉकी भाई वैसे लुक में आपको चाहिए मुझे। चाहिए आप हथौड़ा लेके आओ। हाँ दूर खड़ा के फोटो खींचूंगा, हाथ मिलाऊंगा, चला जाऊंगा, बस पर एक बार मिलना है, बस एक बार मिल लो। थैंक यू सो मच।
एक बड़ा ड्रीम बन गया मेरा। ओके थैंक यू सो मच।